नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले टीम के तूफानी ओपनर शिखर धवन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में शिखर धवन चोटिल हो गए थे और फील्डिंग करने भी मैदान में नहीं उतर सके थे। मंगलवार को धवन के अंगूठे का स्कैन किया गया, जिसमें साफ हो गया कि अंगूठे में फ्रैक्चर है। धवन इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, वे अगले 3 हफ्तों के लिए क्रिकेट से भी दूर रहेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में धमाकेदार शुरुआत करने के बाद टीम इंडिया का अगला मुकाबला गुरुवार को मजबूत न्यूजीलैंड से होना है। भारत ऑस्ट्रेलिया महामुकाबले में शिखर धवन ने अपना 17वां वनडे शतक जड़ा और टीम की जीत की नींव रखी। उनकी इसी पारी के दम पर भारतीय टीम ने यह मैच अपने नाम किया, लेकिन जीत का यह हीरो चोटिल हो गया। नाथन कोल्टरनाइन की गेंद पर शिखर धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लगी थी, जिसके लिए उनका इलाज चल रहा है। मैच के दौरान भी फिजियो पैट्रिक फरहार्ट ब्रेक के दौरान उनकी जांच करते रहे। धवन ने उस मैच में 109 गेंद में 117 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे थे और उनके अंगूठे पर टैप लगा हुआ था। और एतियन ऑस्ट्रेलिया पारी के दौरान उन्होंने फील्डिंग नहीं की, रविंद्र जडेजा उनकी जगह फील्डिंग करने उतरे थे। तो ये काफ़ी बुरी खबर है भारत के लिए इस वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि भारत का एक अहम खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो गाइज़, आपके क्या है ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। धन्यवाद।